आज हम आपको इमरान खान की एक ऐसी फैन से मिलवाएंगे कि जिनके पास 1986 से लेकर आज की तारीख तक ऐसी कलेक्शन मौजूद है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। 1986 की अखबार से लेकर 2023 तक जितनी भी अखबारें हैं उनकी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो लगाए गए हैं। 1986 के रिलायंस कप के मैच की छोटी सी एक झलकी है और वहाँ लिखा हुआ है आज नहीं तो फिर कब जीतेंगे। डिफरेंट इंटरव्यूज हैं, ये इमरान खान जब पाकिस्तान आ रहे हैं ये उनकी है। इमरान खान के जो वालिद हैं उनका इंटरव्यू भी दिखाऊं जिसके अंदर लिखा है कि हमने इसे अपनी पसंद की शादी करने का इख्तियार दे दिया है। इमरान खान के स्कैंडल्स भी मौजूद हैं इसके अंदर। जब इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे चीजें बताई थी कि हमने इमरान खान को जाया कर दिया। पूरा जो अखबार का पेज है ये लड़कियों और औरतों के कमेंट से बड़ा हुआ जो इमरान खान की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। गोल्ड मेडल डेडिकेटेड टू मिस्टर इमरान खान फ्रॉम मोहम्मद अयाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, मैं हूं आपका मेजबान अनीब जहीर। आपने इमरान खान के बड़े बड़े फैन देखे होंगे लेकिन आज हम आपको इमरान खान की एक ऐसी फैन से मिलवाएंगे कि जिनके पास 1986 से लेकर आज की तारीख तक ऐसी कलेक्शन मौजूद है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अखबारों के टुकड़े लगे हुए हैं। इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1986 की अखबार से लेकर और 2018 तक, 2022 तक, 2023 तक जितनी भी अखबारें हैं उनकी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो लगाए गए हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है किस्मत मेरे साथ है। आज भी जब इमरान खान बात करते हैं सियासत की तो आज भी बात करते हैं कि अगर मैं सियासत कर रहा हूं और पूरे माफिया के अगेंस्ट अगर खड़ा हुआ हूं तो किस्मत मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि 1986 के रिलायंस कप के मैच की छोटी सी एक झलकी है और वहां लिखा हुआ है आज नहीं तो फिर कब जीतेंगे। आप यहाँ पर आ जाए तो साथ ही इमरान खान के बचपन के बारे में इंटरव्यू शाया है। डिफरेंट इंटरव्यूज हैं, ये इमरान खान जब पाकिस्तान आ रहे हैं ये उनकी है, उसके अलावा ये सारी तस्वीरें हैं और ये साथ इमरान खान अपने बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेट के नामूर सितारे और इनका बचपन शरारत करने पर डांट पड़ जाया करती थी। इमरान खान जब छोटे होते थे तो वो एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मुझे डांट पड़ जाया करती, मैं शरारतें किया करता था। इसके अलावा आपको मैं ये इमरान खान के जो वालिद हैं इकरामुल्ला नियाज़ी उनका इंटरव्यू भी दिखाऊँ जिसके अंदर लिखा है कि हमने इसे अपनी पसंद की शादी करने का इख्तियार दे दिया है। ये इमरान खान के जो वालिद हैं उनका इंटरव्यू है और ये भी 1987 की अखबार है जिसका ये मैं आपको टुकड़ा सुना रहा हूँ। इसके अलावा ये रोज़नामा जंग का खसूसी एडिशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ शख्सियात जो उस वक्त की थी उन्होंने इमरान खान के बारे में तबसरे किए हुए हैं। इसके अलावा जंग का मैगज़ीन पड़ा हुआ है और इसकी भी अगर मैं आपको तारीख बताऊँ तो ये है 13 नवंबर 1986। ये भी 13 नवंबर 1986 का है और इसका एक एक अगर मैं वर्क उलटता हूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें इमरान खान की ज़िंदगी की मिलती हैं कि आप देख के हैरान रह जाते हैं। इमरान खान के स्कैंडल्स भी मौजूद हैं इसके अंदर और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट जो लोग हैं जैसे यूसुफ सलाहुद्दीन हैं, अब्दुल कादिर हैं, सरफराज नवाज़ हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें की हुई हैं। बातें ये हैं कि इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद में लोगों से दुश्मनियाँ मोल ली है। आज अगर सियासत की बात करते हैं तो आज भी लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान मुल्की मफाद में दुश्मनियाँ मोल ले रहे हैं और अगर 13 जमातें हों या 16 जमातें हों सब इमरान खान के अगेंस्ट खड़े हैं, इमरान खान अकेले खड़े हुए हैं। क्रिकेट के टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था। और इसके अलावा कुछ जो शायर और अदीब है, जब इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे चीज़ें बताई थी कि हमने इमरान खान को ज़ाया कर दिया और अफसरदा हो रहे हैं। तो ये सारे उस वक्त के मामलात हैं जिनसे देख के पता चलता है कि इमरान खान उस वक्त के कितने बड़े क्रिकेटर थे। और एक पेज मेरे सामने आया उसके ऊपर लिखा है इमरान खान क्रिकेट और ख़वातीन। आज भी इमरान खान की जो जलवा घड़ी है वो जगह जगह मिलती है और जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं इमरान खान की फ़ैन नज़र आती हैं और ये पूरा जो अखबार का पेज है ये लड़कियों और औरतों के कमेंट से बड़ा हुआ जो इमरान खान की तारीफ़ में कसीदे पड़े हुए हैं। इमरान खान के स्कैंडल्स हैं, एक स्कैंडल लिखा हुआ है कि माँ और बेटी का मुकालमा हो रहा है, बेटी कह रही है कि मैं खत लिख रही हूँ और माँ पूछ रही है किसको, और बेटी कह रही है इमरान खान को और आगे से माँ कह रही है अच्छा इम्मी को खत लिख रही है, मेरा खत भी लिख देना। ये सारी चीज़ें हैं 1986 से लेकर आज तक इनके ड्राइंग रूम में पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ ये इनके बेटे का गोल्ड मेडल है जो इनको कैनेडा से मिला है। और इनके बेटे की अगर उम्र की बात करूँ सिर्फ 3 साल उम्र है और कैनेडा में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसके अंदर दुनिया भर के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी शख्सियात पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन उसमें से पाकिस्तान का फ़खर 3 साल का बच्चा मोहम्मद अयाद ये गोल्ड मेडल जीतता है। और इन्होंने ये गोल्ड मेडल भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड मेडल डेडिकेटेड टू मिस्टर इमरान खान फ्रॉम मोहम्मद अयाद, अपने 3 साल के बेटे का जो ये अचीवमेंट है ये भी इन्होंने इमरान खान को डेडिकेट करने का कह दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इमरान खान की इतनी बड़ी फ़ैन है ये आखिर कैसे हैं
आलीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला है 1986 से लेकर आज की डेट तक इतनी मोहब्बत? जब वो क्रिकेटर थे तब भी मोहब्बत, आज वो सियासतदान है आज भी मोहब्बत, क्या मामला है? मैं देखने वालों को बताना चाहूँगी, ये कलेक्शन मेरे अब्बू की है। अच्छा। वो देखने वाले ये ना समझे भाई बाजी हो तो इतनी बुरी लग नहीं रही तो ये इतना कैसे ये कलेक्शन है। मेरे अब्बू बहुत डाई हार्ट फैन थे इमरान खान के, तो उन्होंने मतलब ये उस टाइम का है जब इमरान खान ने अभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, उससे पहले से ही वो उनकी हर इंटरव्यू को हर एक चीज़ को वो इतना आइडियलाइज करते थे और इन चीज़ों को उन्होंने संभाल के रखा हुआ था एक एक, और उनका ये ख्वाहिश थी, उनकी ये विश थी कि वो इमरान खान से मिले। उनने अपनी एक डायरी में, क्योंकि वो उनकी बड़ी पर्सनल डायरी है, तो उसमें एक जगह पर उन्होंने वो मैंशन किया हुआ था कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं इमरान खान से मिलूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है इश्क का सफ़र नस्लों तक, ये क्या है? देखें, मेरे फादर से ये शुरू हुआ डेफिनेटली, उसके बाद आप जब ये देखते हैं, हम अपने बड़ों को जब देखते हैं कि वो किसी को आइडियलाइज कर रहे हैं, एडोर कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ में, और मुझे तो अपने अब्बू से इश्क था, आंखें बंद करके अगर वो किसी चीज़ पे हाथ रखते थे तो मैं उसको ऑन करती थी, तो आज भी मैं ऑन करती हूँ। तो इसलिए आगे जो मेरे बच्चे हैं तो ज़ाहिर है जो आपकी माँ को देखेंगे तो वो भी यही चीज़, तो ये इश्क का सफ़र नस्लों तक चलेगा। इश्क का सफ़र नस्लों तक, आप भी इमरान खान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने आपके वालिद करते थे? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा इश्क मेरे फादर थे, जब उनका इश्क है तो आप जिससे आपको इश्क होता है आप उसके साथ ऑटोमेटिकली इश्क करते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप कुछ फैसले अच्छे या बुरे या ये देखें, मुल्क मफाद के लिए वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो हम जैसे या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो आंखें बंद करके इमरान खान को ट्रस्ट करते हैं। आपके वालिद को तो शौक़ था इमरान खान से मुलाकात करने का, इमरान खान से मिलने का, आपको शौक़ है? मुझे तब से ज़्यादा है जब से कि मुझे ये पता चला कि मेरे फादर का ये ख्वाब था कि वो इमरान खान से मिलें, तो मुझे ये लगता है कि बेटी के तौर पे अगर मैं जाके मिलूँगी तो उनका ये ख्वाब, हाँ मैं ये विश ज़रूर करती हूँ कि काश आज वो ज़िंदा होते तो वो अपने, वो कहते हैं पोता या क्या उसको कहते हैं, उसके साथ वो जाते, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि अब मैं ज़रूर जाऊँ उनकी तस्वीर के ऊपर जो है वो इमरान खान के सिग्नेचर में ज़रूर। आपका बेटा 3 साल का है और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लिए आपके बेटे ने, ये भी आपने डेडिकेट कर दिया इमरान खान को, इतनी मोहब्बत? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये हमारी तरफ से और स्पेशली मेरे अब्बू की तरफ से ये अच्छा। होगा, क्योंकि उनका इश्क रहा तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके फादर शायद वो चीज़ महसूस करें, तो हमारी तरफ से ये है कि हम अपने अब्बू को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे जाएंगे कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज हम उनकी पिक्चर पे एक साइन ले सकते हैं। अच्छा, ये मैं रसाले देख रहा हूँ, ये 1986, 1987, 1992 और पता नहीं किस किस दौर के सारे रसाले पड़े हुए हैं, ये आपके पास कितने साल से? मेरे पास से, मेरे अब्बू की डेथ हुई 2015 से, ठीक है, उसके बाद से ये मेरे पास हैं। अगर मैं गैस करूं तो ये तकरीबन 7 साल से आपके पास है, किस तरह संभाला हुआ है? आजकल घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आपके भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो फाड़ देते हैं, किस तरह संभाला हुआ है? ये मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मेरे अब्बू से मुझे इश्क, उनके जूते, उनके कपड़े, उनकी वो जूती जो जब वो डेथ हुई तो उससे थोड़ी देर पहले जो उन्होंने पहनी, हर चीज़, और ये तो फिर उनका इश्क था तो ये किस तरह से मैं नहीं संभाल के रखती, ये तो फिर बहुत मेरे लिए अजीज़ थे। क्या पैगाम देना चाहती हैं इमरान खान? इमरान खान को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जो मेरे अब्बू का ख्वाब था मैं उसको अमली जामा पहनाना चाहती हूँ और उनकी तस्वीर पर मैं उनका सिग्नेचर लेना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, इनके जो अब्बू थे उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान से मिलना, डाई हार्ट फैन थे, ये उनकी तस्वीर भी लगी हुई है और ये सारी कलेक्शन उन्होंने संभाल के रखी हुई है और इसी चीज़ को जो उनकी बेटी है वो आगे लेकर चल रही हैं। इनका ये ख्वाब है कि इमरान खान से मुलाकात करूं अपने बेटे के साथ जिसने ये गोल्ड मेडल लिया है, और ये गोल्ड मेडल अपने बेटे के हाथ से इमरान खान को मैं डेडिकेट करूं, और उसके साथ ही जो ये इनके अब्बू की तस्वीर है इसके ऊपर इमरान खान का ऑटोग्राफ लूँ। ये एक इमरान खान की फ़ैन है, इमरान खान से इनकी मोहब्बत है, और अगर कोई पीटीआई का बंदा ये देख रहा हो तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगी और जो इनके अब्बू की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।